वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रॉड अकेले उदास सा बैठा होता है और वो प्लम और पाए के बारे में सोचता है। जब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब थे तभी जॉस वहाँ आ जाता है और उसके पास बैठकर कहता है, तुम यहाँ हो? प्रॉड कहता है, मैं स्कूल देखने आया था तो मुझे ये जगह दिखी, बहुत ही सुंदर है। जॉस कहता है, हाँ ये अच्छी जगह है पर तुम स्ट्रेस में लग रहे हो सुबह से। प्रॉड कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फेस ही ऐसा लग रहा है। जॉस कहता है, तुम अच्छे से झूठ नहीं बोल पाते। तभी वहाँ प्लम आ जाता है। जॉस कहता है, क्या तुमने बच्चों को कैंडीज बांट दी? प्लम कहता है, हाँ पर कुछ लोग काम छोड़कर भाग गए, कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। जॉस कहता है, सॉरी। प्लम कहता है, मैंने ये तुमसे नहीं कहा, हम सीनियर्स हैं, हमारी ड्यूटी है जूनियर्स की देख केयर करना, पर किसी ने अपना काम पूरा नहीं किया, कितना ही इरिस्पॉन्सिबल है। प्रोजेक्ट का लीडर होने के बाद ऐसे एक्ट करना क्या अच्छी एग्जांपल है जूनियर्स के लिए? प्रॉड सॉरी कहकर वहाँ से जाता है। जॉस कहता है, तुमने कुछ ज़्यादा ही हार्शली बात की उससे। प्लम कहता है, तुम हो जो हमेशा उसकी साइड लेते रहते हो ताकि तुम्हें उसके दिल में जगह मिल सके। अपने काम और फीलिंग्स को अलग अलग रखो, ऐसे काम करना अच्छा नहीं है। जॉस कहता है, मैंने कभी काम को नहीं छोड़ा और मैंने कभी काम और फीलिंग्स को मिक्स नहीं किया, सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम है, तुम्हारी तकलीफ़ क्या है? तुम हमेशा प्रॉड को हर्ट करते रहते हो। अगर मैं उससे अच्छे से बात करना चाहता हूँ तो क्या मैं उससे बात नहीं कर सकता? अगर एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम्हें पता चलेगा। जॉस वहाँ से जाता है। आगे हम देखते हैं कि प्रॉड पेंट कर रहा होता है। प्लम वहाँ आकर पेंट करते हुए कहता है, वैन में तुम ठीक से आए? प्रॉड कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्लम कहता है, तो तुम किसके साथ बैठे थे? प्रॉड चुप रहता है। प्लम कहता है, मैं भूल गया था ये सोचने को, शायद तुम जॉस के साथ बैठे होगे। प्रॉड कहता है, नहीं मैं पी के साथ बैठा था। तभी पाए पानी लेकर आती है और बॉटल खोलकर प्लम को पानी देती है। प्लम के पास जाकर कहती है, तुम्हें पसीना आया है, मैं साफ़ कर देती हूँ। प्रॉड ये देखकर वहाँ से उठकर दूसरे स्टूडेंट्स के पास जाकर पेंट करने लगता है। प्लम उसकी ओर देखता है, पाए उसका पसीना साफ करती रहती है। प्रॉड प्लम को पाए से बातें करते हुए देखता है। आगे हम देखते हैं कि पाए टॉयस लेती है। सिया वहाँ आता है और कहता है, मुझे तुमसे प्लम के बारे में कुछ बात करनी है, तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो राइट? पाए कहती है, अभी प्लम किसी को डेट नहीं कर रहा तो मैं ये कर सकती हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सिया कहता है, तुम्हें कैसे पता प्लम के दिल में कोई नहीं है? शायद उसके दिल में पहले से कोई है पर वो अभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, मैं बस तुम्हें ये पहले से बताना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि पाए और प्लम बच्चों को डॉल्स के साथ कहानी सुनाते हैं। पाए कहती है, मुझे एक बुरी कैट ने पकड़ लिया है। प्लम कहता है, मैं वो बुरी कैट हूँ। प्रॉड उन्हें पीछे से देखता है। प्लम को एहसास होता है कि प्रॉड देख रहा है। प्रॉड वहाँ से चला जाता है। प्लम उठकर वहाँ से जाता है। प्रॉड बाथरूम साफ़ कर रहा होता है। प्लम उससे ब्रश लेकर बाथरूम को साफ़ करने लगता है तो प्रॉड उठकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम प्रॉड को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देखते हैं। प्लम आकर कहता है, ऐसे करते हैं। प्रॉड वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि प्लम पाए को गिटार बजाना सिखाता है। प्रॉड उन्हें देखता है। प्रॉड का दोस्तों से कहता है, सभी ये बता सकते हैं कि प्लम और तुम डेट कर रहे हो, जैसे वो तुमसे फ्लर्ट करता है। प्रॉड कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। दूसरा दोस्त कहता है, हम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे, तुमने देखा प्लम तुम पर कितना ध्यान देता है। तम कहता है, मुझे लगता है उसके दिल में फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, खासतौर पर उस दिन जब तुम्हारी बाइक गिर गई थी, ये क्लियर था कि वो तुम्हारे लिए वरीड था। प्रॉड कहता है, क्या तुम लोग भूल गए हो कि प्लम लड़कों को लाइक नहीं करता? अगर तुम भूल गए हो तो सामने देखो और सोचना बंद करो। दोस्त कहता है, खुद को फूल मत बनाओ, वो इतना आगे बढ़ गया है, ये इशारा है तुम्हें बताने के लिए, तुम जाकर उसे बताओ, ना कि डर के यहाँ बैठे रहो। तम कहता है, अगर वो तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता और वो तुम्हें लाइक नहीं करता तो ऐसे नहीं करता वो तुम्हारे साथ। प्रॉड कहता है, मैंने पहले ही बताया वो लड़कों को लाइक नहीं करता। दोस्त कहता है, मुझे ये पता है पर मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें लाइक करता है। प्रॉड वहाँ से उठकर चला जाता है। जॉस उसके पीछे जाता है। प्लम उनकी ओर देखते हुए सॉय की बात को याद करता है। प्लम कहता है, क्या बात है? सोए कहती है, ये हमारे बारे में नहीं है पर प्रॉड के बारे में है। प्लम कहता है, प्रॉड के बारे में क्या? सोए कहती है, तुम्हें सच में नहीं पता प्रॉड तुम्हें लाइक करता है? जब हमने ब्रेकअप किया था प्रॉड ने मुझे कहा था, अगर हमने ब्रेकअप किया तो क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता है? पहले तो मैंने सोचा कि वो मजाक कर रहा है पर जब मैंने देखा मुझे पता चला कि वो सच कह रहा था। प्लम ये सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। सोए कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि वो सही इंसान है तुम्हारे लिए तो जल्दी से डिसाइड करो, ऐसे बीच में मत रहने दो। प्लम थैंक यू कहता है। सोए कहती है, चाहे तुम जो भी फील करते हो उसके लिए उसे बता दो।
सोए वहाँ से जाती है। प्रॉड उन्हें बात करते देखता है। प्लम उसे बुलाता है पर प्रॉड इग्नोर करके चला जाता है। यादों से बाहर आकर प्लम उनके पीछे जाता है। पाए उसके पीछे जाने लगती है पर सिया कहता है उसे जाने दो। पाए कहती है वो कहाँ जा रहा है। सिया कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। पाए कहते हैं जिसे वो लाइक करता है वो भी यहाँ है, वो कौन है। सिया कहता है हमें वेट करनी होगी। प्लम जॉस को कहता है प्रॉड कहाँ है। जॉस कहता है पहाड़ी पर। प्लम कहता है तुमने पक्का उसे अपने दिल की बात बताई होगी। जॉस कहता है तुम सच में ये जाना चाहते हो। जॉस उसे बताता है जो उसने प्रॉड से बात की थी। जॉस प्रॉड के पास जाकर बैठता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। मुझे पता है कि तुम उस इंसान को अभी भूले नहीं होगे पर क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। प्रॉड कहता है मैंने डिसाइड किया है, ये टाइम है मुझे सच को एक्सेप्ट करने का। मैं उसे भूलने की कोशिश करूँगा पर उससे गिव अप करने से पहले क्या मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता सकता हूँ। चाहे जो भी हो मैं एक्सेप्ट करूँगा और मूव ऑन कर लूँगा और आपके लिए मैं अच्छा फील करता हूँ पर एक भाई की तरह। मैंने कोशिश की थी पर मेरे दिल ने मुझे कहा कि आप मेरे एक अच्छे भाई हो। मैं सॉरी कहता हूँ। जॉस कहता है मैं समझता हूँ पर क्या तुम बताओगे तुम्हारे दिल में कौन है। प्रॉड कहता है प्लम, वो मेरे दिल में 7 सालों से है। पूरी बात बताने के बाद जॉस कहता है प्रॉड तुम्हें भूलने के बारे में सोच रहा है। प्लम कहता है प्रॉड मेरी वेट करो और भागकर प्रॉड के पास जाता है और प्रॉड को कहता है पहले मेरी बात सुनो। प्रॉड कहता है क्या बात है। प्लम कहता है वो इंसान जो तुम्हारे दिल में है उसे मत भूलो, उसे पता नहीं है, उसे कभी पता नहीं चला पर अब उसे पता है, पर वो हिम्मत नहीं कर पा रहा क्योंकि वो डरता है वो फिर से हर्ट हो जाएगा। प्रॉड कहता है तुम्हें पता है 7 साल मैंने सिर्फ उसे देखा, मैं तब से उसे देख रहा हूँ जब से उसने मेरी वर्कबुक टीचर को दी थी, तब तक जब तक वो एक दिन मेरी लाइफ में आ गया। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया पर मुझे लगा ये शायद सच नहीं है। प्लम कहता है पर ये सच है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ का हिस्सा बनो। प्लम प्रॉड का हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम बनोगे। प्लम धीरे धीरे पास आकर प्रॉड को किस करने लगता है पर प्रॉड उसे रोक देता है और कहता है आप सॉय और पाए के साथ क्या करने वाले हो। प्लम कहता है तुम उनके बारे में क्यों सोच रहे हो। प्रॉड कहता है मैंने तुम्हें सॉय के साथ देखा था हाथ पकड़े हुए पार्किंग लॉट में। प्लम मुस्कुराकर कहता है तुम इस बात के लिए मुझ पर गुस्सा थे। प्रॉड कहता है पाए के बारे में क्या, वो आपके साथ फ्लर्ट कर रही है और इसके अलावा आप सिर्फ लड़कियों को लाइक करते हो। प्लम कहता है हाँ मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद हैं। प्रॉड उदास हो जाता है। प्लम कहता है पर अभी मैं प्रॉड को लाइक करता हूँ, क्या तुमने सुना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो चिल्लाकर कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉड को लाइक करता हूँ। प्लम प्रॉड को कहता है तुम्हें अच्छे से सुनाई दिया मेरे प्रॉड। प्लम प्रॉड को किस करता है, वो किस कर रहे थे तभी उनके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। सिया कहता है मेरा दोस्त अब सिंगल नहीं है। प्रॉड का दोस्त कहता है प्रॉड का सपना सच हो गया। जॉस उदास होकर वहाँ से चला जाता है। प्लम कहता है मैं शॉक का हो गया था, मुझे लगा मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं कि प्रॉड की माँ अचानक से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती हैं। प्रॉड और प्लम घर आते हैं। प्रॉड दौड़कर अपनी माँ के पास आकर उन्हें उठने को कहता है। प्लम कहता है एम्बुलेंस को कॉल करो। प्रॉड कॉल करता है, वो माँ को एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रॉड और प्लम रूम में आते हैं। प्लम कहता है तुम्हारी माँ अब सेफ है, ज़्यादा मत सोचो। प्रॉड थैंक यू कहता है। प्लम कहता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आज रात मैं यहीं सो जाऊँगा। प्रॉड कहता है आप थके हुए हो, आपको किसी अच्छे जगह पर सोना चाहिए। प्लम कहता है मैं कहीं भी सो जाऊँगा बस तुम मेरे पास हो तो। प्रॉड कहता है आपको पता है मैं पीपी के इतने क्लोज क्यों हूँ। प्लम कहता है मैं यही सोच रहा था। प्रॉड कहता है मैं पीपी को स्कूल में मिला था, मैंने उसे चॉकलेट मिल्क दिया था। प्लम कहता है क्या तुम वो लड़के हो। प्रॉड कहता है जब मुझे पता चला कि आपने उसे ले जाकर उसका इलाज करवाया मैं बहुत खुश हुआ। प्लम कहता है मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। प्लम प्रॉड को बड़ी प्यार भरी आंखों से देखते हुए उसके माथे पर किस करता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। अगली सुबह वो माँ को घर लेकर आते हैं। माँ प्लम को कहती है मैं प्रॉड को तुम्हें सौंपती हूँ। प्लम कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका हमेशा ध्यान रखूँगा। माँ प्रॉड को प्यार से किस करती हैं और प्लम को पास आने को कहती हैं। आगे हम देखते हैं कि जॉस प्लम के पास जाता है। प्लम कहता है अगर कुछ बात है तो कहो। जॉस कहता है मुझे प्रॉड के बारे में बात करनी है। प्लम कहता है तुमने अभी उसे लाइक करना बंद नहीं किया। जॉस कहता है अगर हम इंसान किसी को लाइक करते हैं तो हम उसे इतनी जल्दी नहीं भूल सकते। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जिस दिन हम कैंप से आने वाले थे अगर उस दिन तुम सीरियस नहीं होते प्रॉड के लिए तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। और दूसरी बात, सिया को लगा ही था कि तुम प्रॉड को लाइक करते हो तो वो मुझसे बात करने आया, और अगर उस दिन तुम प्रॉड को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताते
तो मैं पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि उस टाइम वो तुमसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था। ब्रह्म कहता है, मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ, तुम सब की वजह से मैंने इस दुनिया को और बड़े नज़रिए से देखा। मुझे नहीं पता मैं कब प्रॉड के प्यार में पड़ गया। मैं जालस होता था जब कोई उसके करीब जाता था, उससे बात करता था, खास तौर पर तुम। और यहाँ तक बात रही उसे टीज करने के बारे में, मैं बस उसके क्लोज जाना चाहता था, उससे और ज़्यादा बात करना चाहता था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने उस लड़के को क्यों लाइक किया। हालांकि मैंने पहले 10 लड़कियों को डेट किया। जॉस कहता है उसका दिल प्योर है, क्योंकि उसने कभी किसी को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा, जिससे तुम्हें अच्छा फील हुआ। जबकि मैं उसे पता नहीं कब से लाइक करने लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके दिल का ध्यान रखो, कभी उसे तोड़ने के बारे में मत सोचना, क्योंकि अगर तुमने प्रॉड को हर्ट किया तो मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा हर्ट करूँगा। प्लम कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं पूरे दिल से किसी को प्यार करता हूँ। चाहे तुम वरिड हो उसके लिए, चाहे कि तुम मेरे दोस्त हो, फिर भी उसके पास मत जाना, समझे। जॉस कहता है, तुमने दोस्त को भी नहीं छोड़ा। प्लम कहता है, जाकर अपने लिए कोई ढूंढो, प्रॉड मेरा है। जॉस कहता है, मैं ढूंढ लूँगा, पर अभी मेरा दिल टूटा हुआ है। प्लम कहता है, तो ऐसा करो, प्रॉड के दो दोस्त हैं, तुम उनसे फ्लर्ट क्यों नहीं करते। जॉस कहता है, तुम उन दोनों की बात कर रहे हो। प्लम कहता है, ट्राई करके देख लो। जॉस कहता है, उन्हें सिया के लिए छोड़ दो। प्लम कहता है, क्यों, सिया किसे लाइक करता है। आगे हम देखते हैं कि प्रॉड के दोस्त खाना खा रहे होते हैं। प्लम सिया को पकड़कर वहां लेकर आता है। प्रॉड अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग कैसे हो। एक दोस्त कहता है, क्या तुम्हें याद है कि हम दोस्त भी हैं। प्लम तम को कहता है, मेरा दोस्त तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तम कहता है, क्या बात है। प्लम कहता है, ये दिल का मामला है, मेरे दोस्त का ख्याल रखना। सिया तम को कहता है, मैं सीधे बात करूंगा। तम पीछे जाता है। सिया पास आकर कहता है, मैं पॉइंट पर आता हूं, क्या तुम मेरे लवर बनोगे। तम उसे हाथ से रुकने को कहता है। सिया कहता है, क्यों। तम कहता है, मैं चेयर से नीचे गिरने वाला हूं। सभी मुस्कुराते हैं। आगे हम देखते हैं कि सोयर फे प्रॉड की माँ से बात करती हैं। प्रॉड और प्लम उनके लिए पानी लेकर आते हैं। प्लम सॉय को कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। घर के बाहर आकर सोय कहती है, क्या बात है। प्लम कहता है, मैं थैंक यू कहना चाहता था, तुमने प्रॉड के बारे में मुझे बताया, जिससे मुझे राइट पर्सन मिल गया। सॉय कहती है, प्यार हमारे आसपास ही होता है, शायद हमें रुककर थोड़ा देखना चाहिए, इस प्यार को संभाल कर रखना। प्लम कहता है, हम एक और कैंप पर जाने वाले हैं, मैंने प्लान किया है प्रॉड को उसके बर्थडे पर सरप्राइज करने का, तुम साथ चलोगी। सॉय कहती है, ठीक है। आगे हम प्लम को गिटार बजाते हुए गाना गाते देखते हैं। उसके बाद प्लम कहता है, अगर कुछ काम नहीं हो तो हम अपने अपने काम लगते हैं। प्लम और प्रॉड एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।